स्वाद के सफर में किरण शाम का नाश्ता ब्रेड रोल चाय के साथ। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड रोल। उसकी सामग्री बता रही हूँ, आलू का मसाला है, तेल जो तलने के लिए काम आएंगे और मसाले में भी आएंगे। आलू चार लिया है, उबाल कर उसे कद्दूकस किया। प्याज छोटा बारीक कटी हुई, एक छोटा प्याज उसको बारीक कटी हुई, हरी मिर्च दो बारीक कटी हुई, अदरक बारीक कटी हुई, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी एक चम्मच छोटा, 1/4 गरम मसाला, 1/4 चाट मसाला, अजवाइन, मंगरेला, 5 पीस ब्रेड, सूजी, मिल्क और पानी, जिससे मैं ब्रेड रोल बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो मैंने देखो ये 5 ब्रेड लिया है और ये आलू का मसाला जो मैंने सामग्री बताया था उस तरह मैंने इसको तैयार की हूँ। और ये सूजी लिया है और ये इसमें आधा पानी है और आधा मिल्क मिला के रखा है मैंने। ये तलने के लिए कढ़ाई, तेल। तो चलिए बनाते हैं। ये ब्रेड को मैंने इस तरह से चारों तरफ से अब इसको चारों तरफ इस तरह से मैंने काट लिए। जो ब्राउन है उसको ही निकालना है केवल, ऐसे नहीं भी निकाल सकते आप, लेकिन वो तलने के बाद सब एक ही हो जाता है और पानी में डालने से सोख कर लेते हैं तो बराबर हो जाते हैं। मैंने इसको काट के इसमें किया। अभी इसे मैंने देखिए इसको इस तरह से सोक कर रही हूँ। अब इसको जो गोला बना के रखा था मैं इसे इसमें बीच में करी हूँ। आप इसका गोल शेप भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। गोल करना तो इसकी जो हम बॉल बनाए हैं आलू मसाला का, तो उसको गोल करेंगे, और जब हम लंबे वाले बनाएंगे तो लंबा बना कर रखेंगे। तो देखो दोस्तों कितने चिकने हो गए। अब इसको मैंने सूजी में इसको बॉन्डिंग किया है, जिसे आपको देखने में बहुत अच्छा पोस्ता के जैसा आएगा तलेंगे तो। बच्चों को अच्छे पसंद आते हैं नाश्ता में, बड़ों को भी। टेस्ट करके देख रही हूँ तेल गरम हुआ है नहीं। हो गया, देखिए ये ऊपर आ गया। तो
तो मैंने अभी इसको दोस्तों देखिए इस तरह से ऐसे दबा दिया है तो और शेप अच्छा हो गया। और मैंने इसको तलने के लिए सूजी से वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। आपको नहीं भी नहीं डालना है तो इच्छा है तो आप नहीं भी डाल सकते इसको, पर इससे ऊपर मैं पांचों इसमें डाल दिया एक साथ। सकते क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, डिजाइन थोड़ी अच्छी देखने में लगती है, नहीं तो कि आप ब्रेड को भी क्रॉस करके पीस करके उसको भी ऊपर से कोटिंग कर सकते हैं, जिससे आप हरी चटनी में खाइए। दोस्तों मैंने हरी चटनी पुदीना आंवला और धनिया पत्ती का बनाई हूँ, अभी आंवला का सीजन है तो उसके साथ। देखिए दोस्तों तैयार हो गया एकदम। मैं अभी इसे गैस को बंद कर रही हूँ और इस ब्रेड रोल को टिश्यू पेपर के ऊपर प्लेट में निकाल रही हूँ। देखो दोस्तों ये ब्रेड रोल बन के तैयार हो गया। गरम कढ़ाई इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ मैं।